संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय ही मेरे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से संविधान ज्ञान से सुन और व्यापार से कृतन को आनंद के साथ कर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद प्रवृत्त होकर शक्तनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी कन्या जैसे चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला हे प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर हो गया। वह नगर हो गया और कलावती व्रत करने प्रति को तर्क हो गई। साधु ने जब नगर में शक्तियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही बुला करके कहा कि पुत्री के बाद खबर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के लिए सूर्य बड़े पुत्र आया। उस सूर्य लड़की को देख कर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। अब श्री भगवान और प्राप्त किया है तुम्हें दानव को प्राप्त होगा। हमने कार्य शादी कर दिया। अपने जामा का सहित समुद्र के सभी को पहुंचा और वहाँ गौरव कर्तव्य जमाई राजा चंद्र के पुत्र नगर में। राजा चंद्र के पुत्र राजा के पुत्रों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के जब दूतों ने उस साधु के पास राजा के दोनों को बात करते गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के सभी